Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. As you can see it's currently 3 AM और मैं उठी हूँ सहरी करने के लिए. रमज़ान का मेरा एक रोज़ा मिस हो गया था सो मैं वही रख रही हूँ. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना सहरी कर लूँगी, या सिंपल ओट मील. उसके बाद फिर वज़ू बना के फजर की नमाज़ पढ़ लूँगी. फजर की नमाज़ पढ़ के जिक्र करके मैं सो जाऊंगी बिकॉज़ आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी राइट नाउ. मैं लेट से सोई थी और फिर मुझे दिन में उठना भी पड़ा था. सो नेक्स्ट डे मैं डायरेक्ट जोहर के वक्त पे उठी थी. फास्टिंग डेज में और प्लस विंटर्स भी है तो दिन तो काफ़ी जल्दी जल्दी पार हो जाता है, तो दिन का पता ही नहीं चलता. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जोहर की नमाज़ पढ़ूँगी. उस नमाज़ कम्प्लीट हो जाने के बाद फिर जिक्र करूँगी एज़ यूजल, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर. थोड़ा बहुत काम करने के बाद फ्री थी तो मैंने इस्लामिक लेक्चर सुना यहाँ पे. Those who have transgressed against themselves, don't you ever, ever give up hope in the mercy of your Lord. In the mercy of your Lord. Don't ever give up hope. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पावरफुल आयत है ब्रो. इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास, इत्तकू रब्बकुम. यानी अल्लाह ताला ने सबको एड्रेस करने लो, जहन्नम के तो बार बार में यानी ये जो जलजला होगा ना सहा का, क़यामत खड़े होने से पहले जो है सर्दियों में वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता. यहाँ पे तुरंत असर की अजान हो गई, फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी. उसके बाद अभी ज़िक्र करूँगी. आफ्टर नमाज एंड ज़िक्र मैंने यहाँ पर ही कुरान शरीफ पढ़ा. नमाज़ के बगैर तो रोज़ा नहीं है, बट वाइल फास्टिंग रीडिंग कुरान शरीफ इज़ आल्सो मस्ट. नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी, बट आल्सो बिकॉज इट रिलीव्स द सोल. इट रिलीजेज द टेंशन, द प्रेशर विच वी हैव ऑल डे. सो एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स ट्राई टू रीड कुरान. उसके बाद यहाँ पे हम लोग इफ्तार की प्रिपरेशन में लग जाएंगे. ऑल मुस्लिम्स कैन रिलेट कि इफ्तारी का मेन इंग्रेडिएंट्स तो फ्रूट्स होते हैं. उसके बाद सम ऑयली स्टफ्स. मैं यहाँ पे समोसे बना रही हूँ, ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ब्राउन हाउस होल्ड्स में मतलब इफ्तार्स आर इनकम्प्लीट विदाउट ऑयली स्टफ्स लाइक समोसाज. एंड लेट्स सी फर्दर और क्या क्या है. अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, पकोड़े तो हमने खुद ही फ़र्ज़ कर लिए हैं अपने ऊपर. सो यहाँ पे मम्मी पकौड़ियाँ बना रही हैं. उसके बाद स्वीट्स में यहाँ पे छोटे छोटे गुलाब जामुन हैं होममेड, जो मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके बनाए हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है फ्रूट कस्टर्ड. सो यही सब कुछ आज इफ्तार के लिए है. इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ के आई विल टेक अ नैप. That's it for today's video. Hope आपको पसंद आई होगी. Subscribe to my channel for more such videos. Give this video a like and share. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.